लीजिए कि साबुद्दीन की है, उनका कर्म का तिहाड़ जेल में मिल रहा है, तो जो घोटाला करेगा वो तो जेल जाएगा। लेकिन यही सिवान है कि लोगों को दिन में आने में शर्म लगती थी, फलाना भैया जिंदाबाद का नारा लगता था। ये माननीय मेरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, अजय सिंह है, कि एक आदमी को बुर्का में आरती घुमाते हुए हिंदू राज ला। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में, नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है, नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में बिहार न्यूज एक्सप्रेस भी लगातार चुनावी दौरा कर रही है और आपके भावी प्रत्याशियों से लगातार आपको रूबरू करा रही है। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है दरौली विधानसभा में, जहां जदयू के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। संतोष बांसफोर जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, काफ़ी दिनों से ये जदयू में जुड़े हुए, लोगों की सेवा भी करते हैं। हम इनसे रूबरू कराते हैं आपको, और ये जदयू के भावी प्रत्याशी भी। तो सबसे पहले संतोष बांसफोर जी, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। आपको भी सचिन स्वागत है, और जो भी चैनल देखने वाले लोग हो उनको मेरे तरफ से पैर छू के नमस्कार है, प्रणाम कर रहे हैं हम जी। पूछिए, जदयू से आप प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी हैं, दावेदारी कर रहे हैं जी, जदयू आपको आखिर टिकट क्यों दे? जदयू टिकट इसलिए देना चाहिए कि मैं 15 साल से लगातार वर्क कर रहा हूँ जनता दल यू के, 2005 से मैं कंटिन्यू जुटा हूँ। अगर लग रहा है पार्टी को हमको टिकट देना चाहिए तो पार्टी टिकट देगी, क्योंकि हम बराबर दिन रात सेवा नीतीश कुमार के किए हैं, कर रहे हैं, आने वाला पीढ़ी भी मेरी करेगी, और लगातार मेरी 15 साल लाइफ के चली गई है, और लग रहा है कि उनका सिपाही वहाँ से लड़ना चाहिए। तो एक मेरा चेहरा है अभी उभरते हुए, जो हमको भेजा गया है, तो हम अपना पार्टी वर्क माने दिन रात वर्क कर रहे हैं, नीतीश कुमार के गुण गा रहे हैं, नीतीश कुमार का जो भी है, और नीतीश कुमार काम भी किए हैं वैसा कि गुण गाने लायक है। आपको बता दे सचिन, इन यही सिवान है कि लोगों को दिन में आने में शर्म लगती थी, फलाना भैया जिंदाबाद का नारा लगता था। ये माननीय मेरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, अजय सिंह है, कि एक आदमी को बुर्का में आरती घुमाते हुए हिंदू राज ला दिए। आज देखिए कि भगुआ पूरा देश में फहरा रहा है, और अजय सिंह माननीय मेरा नेता ने सबको भगुआ पहनाने का काम किए हैं, और आगे भी हम लोग का हिंदू का रीति रिवाज जो भी है, हम लोग विकास के काम किए हैं और विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। आप देख लीजिए कि अजय सिंह ऐसा एक नेता है कि कभी भी किसी से कोई उनका नहीं है। जो जलने वाला इंसान है वो जलता है, घर में बड़ा पद लेकर बैठा है। अजय सिंह ऐसे नेता हैं कि डोर टू डोर घर जाते हैं, और हम लोग भी डोर टू डोर जाकर काम करते हैं। काम के वजह से हम लोग कहते हैं कि भाई मैं काम किया हूँ तो वोट दीजिए मेरे पार्टी को, नहीं काम किया हूँ तो मत दीजिएगा। आप भगवा की बात कर रहे हैं, हिंदू नेता की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सभी तो सेकुलर की है, हिंदू मुस्लिम सभी की बातें करते हैं, तो क्या लगता है ये एक अलग विषय नहीं हो जा रहा है कि आप एक हिंदुवादी नेता की बात कर रहे हैं जबकि आपके नेता कुछ और ही बात करते हैं? नहीं, आपको बता दे सचिन कि जो हिंदू धर्म है चाहे मुसलमान धर्म है, वो लोग अपना काम करते हैं, हम लोग अपना। कुछ दबंगों लोग जो कि हरे हरे पट्टे देखिएगा पूरे सिवान में लग जाता था, वो लोग तो सारे लोग हट गए। हम लोग ही किसी पढ़े लिखे मुसलमान लोग को, भाई लोग को एक साथ रखते हैं और जोड़कर काम किए हैं। किसी को हम लोग किसी तरह से कोई दंगा फसाद कोई चीज़ हम लोग नहीं किए, सबको मान सम्मान इज्जत से नीतीश कुमार भी जी लेने देते हैं, और अजय सिंह भी, जो भी सुशासन का काम होता है हम लोग सब करते हैं। हम लोग गुंडा राज खत्म कर दिए हैं, पूरे सिवान से, पूरे बिहार से खत्म हो चुका है। आज एक माननीय मेरा मुख्यमंत्री जी है, माननीय मेरा अजय सिंह जी है, श्याम बहादुर जी हैं, वासुदेव जी हैं। आज देखिए कि एक दलित का लड़का एमपी के बगल में बैठता है, एक बांसपोर डोम जाति का लड़का एमपी के बगल में बढ़ता है। अब इससे विकास क्या चाहिए आपको? देखिए कि आपको मुखिया लोग के घर पे जाइएगा, भेंट नहीं होता था, और आज के डेट में नीतीश कुमार का किए हैं कि वार्ड सदस्य बना दिए हैं,
निचला वर्ग के लोग से जाकर भेंट कीजिए, सारे विकास के काम, जल नल का काम हो रहा है, लड़के लड़कियां पढ़ रही है, किसी तरह का किसी को मानसिकता रूप से डिस्टर्ब कोई नहीं करता है कि मैं ये धर्म को लागू कर रहा हूँ। सब धर्म के लोग यहाँ पे सुकून शांति से जीते हैं, और जहाँ भी देखिए रोड नाला बिजली, इसे अब किनका देन है, 15 साल रिकॉर्ड उठा कर देखिए। नवजल की बात कर रहे हैं, काफ़ी घोटाले भी सामने आ रहे हैं बहुत जगह, आप देखिए तो जमीनी स्तर पर जाइएगा तो काफ़ी स्थितियाँ ख़राब है नलजल की। जल नल की अब मान लीजिए कि तो चेक इन में जो काम नहीं किया है वो तो धराएगा, सरकार तो अपना फंड दे रही है, जो किया है जो मान लीजिए कि साबुद्दीन किए उनका कर्म का तिहाड़ जेल में मिल रहा है, तो जो घोटाला करेगा वो तो जेल जाएगा। सरकार का नियम है जो लागू वो तो किया जा रहा है और धरती पर तो लाकर दिया जा रहा है, और कुछ चंद लोगों के चलते कुछ लोग बदनाम हैं तो ऐसा नहीं है, उन लोग उचित रूप से जेल में जाएंगे जो घोटाला किए हैं। जंगल राज की बात कर रहे थे आप, तो आपको लगता है कि जो 15 साल का राजद का सरकार था जिस तरह से क्राइम हो रही थी, अभी क्राइम पूरा रुक गया है? देखिए क्राइम तो पूर्ण रूप से रुक गया है, रहा कि जंगल राज में देखते थे लोग एक गाड़ी से उतरते थे 20-20 नाल बंदूक, 25-25 नाल बंदूक, फलाना मोड़ पे, फलाना जगह, फलाना भैया, सारा तो ये सिस्टम खत्म है। कुछ है अपराधी जब क्राइम करता है तो धराता है, ये नहीं है कि वो नहीं धराता है, निफिकिर है, क्राइम करेगा वो धराएगा। लोगों के बीच लगातार आपका देखा जाए तो जनसंपर्क हो रहा है, क्या मुद्दे रह रही है, प्राथमिकता दरौली के लिए क्या रह रही है? देखिए हम चौमुखी विकास करेंगे दरौली विधानसभा में, वहाँ पे एक भी माने कॉलेज भी नहीं है जो बच्चे सबका है। युवाओं के लिए तीनों प्रखंड में फील्ड का इंतजाम कराऊंगा अगर मैं जीतता हूँ वहाँ से तो, और मान सम्मान को जीने का सबको अधिकार दिलाऊंगा। जो वहाँ का माले का विधायक हैं सदेव राम जी, उनके कुछ रंगदार लोग हैं कि पूर्ण रूप से लाल झंडा लेकर चंदा वसूली करते हैं, और इस तरह दर्शक बनाए हैं कि कोई FIR करने नहीं जाता है। आज वहाँ का हालात बहुत ख़राब है, चंदा वसूली करते हैं, रंगदारी करते हैं, सरकार तो आपकी है, अभी आपने कहा कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जा रहा है, फिर क्या थाना में FIR नहीं हो रहा है? FIR इसलिए नहीं हो रहा है कि चंदा के रूप में वो लोग 100 रुपया 150 रुपया आराम से वसूली कर ले रहे हैं और जी खा रहे हैं, उसको हम अगर हम जीतेंगे वहाँ से तो उसको हम हटा देंगे, चंदा मुक्त कर देंगे। और रहा सवाल वहाँ का कि अभी हाल फिलहाल एक STS का कांड हो रहा है, तो जबरदस्ती वहाँ का कुछ लोग दबंग लोग मने निर्दोष आदमी को फंसाने के उस STS में जिसमें उसमें केस का, वो चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे जड़ से, जाएंगे तो वहाँ पे हाँ सही STS का आदमी का है उनको इंसाफ मिले, निर्दोष आदमी को किसी को हम फंसने नहीं देंगे। आप माले विधायक की बात कर रहे हैं, तो माले विधायक सत्यदेव राम आपको लगता है कि उन्होंने विकास नहीं किया है, क्या क्या उन्होंने विकास किया, क्या क्या अधूरा है बताइए? देखिए वो विकास के नाम पर लोगों से जनता से ठग किए हैं और ठगी के नाम पर बहुत कुछ किए हैं, कुछ नहीं वहाँ पे विकास किए हैं। अगर उनसे पूछा जाए सरकार को नीतीश कुमार को फंड छोड़कर वो अपने से क्या विकास किए हैं वो चीज़ गिनवा दे हमको। वहाँ पे प्रूफ इसके पहले भाजपा के रामायण मांझी थे, वो भी विकास नहीं, एक तरह से ठगने का काम किए हैं और जनता को लूटने का काम किए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं काम हुआ है। दरौली विधानसभा में आज भी चले जाइए ना एक कॉलेज मिलेगा आपको बढ़िया, ना हॉस्पिटल स्वास्थ्य बढ़िया मिलेगा, ना वहाँ का कहीं पे भी रोड में भी घोटाला हुआ। हम तो पूर्ण रूप से सरकार से भी मांग किए हैं इस रोड का भी जांच किया जाए, क्योंकि ये लोग दबंगई करके वहाँ से कई रोड को मैंने तहस नहस कर दिए हैं और सरकार का काफ़ी ये लोग घोटाला चीज़ किए, इसकी जांच बैठना चाहिए। आपने कहा कि भाजपा विधायक रामायण मांझी ने भी विकास नहीं किया है, लोगों को ठगा है, तो उसी के तो आप NDA के सहयोगी हैं, तो फिर जनता आप पे कैसे भरोसा करे? देखिए NDA के हम सिपाही हैं, ये नहीं है कि NDA के हम खिलाफ है। अब NDA के सिपाही होने के नाते हम जनता को ठगी करें? जनता सहयोगी तो आपके हैं भाजपा, तो ऐसे नहीं, लोग नहीं, आप पे क्यों कैसे उस इंसान पे जांच बैठना चाहिए। कम से कम जनता के भरोसे पे जनता आपको वोट दिए, सरकार का नाम खराब होगा। हम तो कहते हैं कि उनको हटा देते पार्टी तो ठीक रहता, क्योंकि रामायण मांझी को कोई विकास के अगर काम किए हैं तो गिनवा दे, एक भी काम नहीं किए हैं, जीते हैं तो जनता को बलगरा कर जीत गए हैं और पार्टी बेस पर जाकर जीते। आज उनका घर एक
महल टाइप का है और आज भी वहाँ का लोग मड़ई टाटी में रह रहे हैं। और मेरा घर को देख लीजिए आप, आज भी मड़ई टाटी, तो हम गरीबी के दुख जानते हैं, गरीब का लड़का हूँ मैं और कभी भी गरीब को सेवा करूँगा, सेवा भाव से किया हूँ। एनडीए से बहुत सारे प्रत्याशी हैं, किस तरह की प्रतिस्पर्धा रहेगी? बहुत सारे प्रत्याशी नज़र आ रहे हैं फील्ड में, लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं, तो किस तरह की चुनौतियाँ रहेगी आपके लिए? देखिए एनडीए के सिपाही हम हैं, एनडीए से जिनको भी टिकट मिलेगा मान सम्मान इज्जत से हम उनके साथ रहेंगे। और रहा सवाल कि हमको जनता दल यू टिकट देती है तो हम टिकट बेस पे लड़ेंगे, नहीं तो निर्दलीय कभी हम चुनाव सचिन नहीं लड़ सकते हैं। लोगों से दरौली विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे कि हमको एक बार मौका दिया जाए और पूर्ण रूप से उन लोग को विश्वास पे खड़ा उतरूंगा। मुझे 15 साल का अभ्यास है काम करने के लिए और सारे लोग को एक समान जीने का सरकार का जितना फंड है जमीन पर लाकर मैं उतार दूंगा उसको और चमुखी विकास करूंगा वहाँ का लोगों को। चलिए हमारे साथ संतोष बांसफोड़ जी थे, इन्होंने कहा कि मैं युवा नेता हूँ, मुझे एक बार जनता भरोसा करके चुनाव जिताए, उसके बाद सरकार के जितने भी फंड हैं सभी फंडों को जमीनी स्तर पर काम कराकर चौमुखी विकास करूँगा। अब देखना है कि आने वाले समय में जनता इन पर कितना विश्वास करती है। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।